ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ताज एक्सप्रेस में आग दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास लगी थी और आग से किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन निजामुद्दीन से झांसी की ओर जा रही थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह इस ट्रेन की बोगी में आग लग गई। निजामुद्दीन से झांसी जा रही थी ये ट्रेन, लेकिन किस तरह दिल्ली के पास इसमें अचानक आग लग गई। चलती ट्रेन में आग लगी, गनीमत है किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सकुशल यात्रियों को फौरन बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंची और इस आग को बुझाने की कवायद शुरू की गई। ताज एक्सप्रेस में आग लगी, दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास यह घटना हुई। आपको तीन तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह इस ट्रेन की बोगी में आग लगी है। आग की लपटें आप बाहर निकलती हुई देख सकते हैं, काला धुआं दूर दूर तक फैला हुआ है। सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास जाकर ये ताज एक्सप्रेस है जिसमें आग लग गई। इसकी एक बोगी से आग दूसरी बोगी की तरफ फैली। निजामुद्दीन से झांसी की ओर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ये हादसे का शिकार हो गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मी यहां पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने की कवायद शुरू की और जल्द ही इस आग को काबू कर लिया गया। किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते सभी यात्रियों को सकुशल यहां से निकाल लिया गया। फौरन ट्रेन को रोका गया। फायर ब्रिगेड और दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे और उन्होंने पानी की बौछारें की और इस आग को काबू किया। इसमें धुआं है